एक बार फिर आपको इस YouTube चैनल को शामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त हम निकल रहे हैं मरी के लिए। हम जो है बाइक पे जा रहे हैं, मैं और मेरा छोटा भाई है और ये भी जा रहा है, और हम जा रहे हैं बाइक पे, लेके जाते हैं वजन उठाने के लिए। ठीक है, बाइक पे हम जा रहे हैं और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मरी जा रहा हूँ मैं बाइक पे। इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो हमें रूट और मतलब के रास्ता बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे का रास्ता है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि 10 बजे हमने वहाँ पर जो हमारी फैमिलीज गई हुई हैं उनके साथ मिलना है और हमने आगे जो है निकलना है। तो हम अपना सफ़र आगाज़ करते हैं। गोप्रो असल में मैं हेलमेट के ऊपर नहीं लगा सकता, उसकी वजह यह है कि नया हेलमेट है और मैं इस पर माउंट नहीं लगाना चाह रहा था। कोई मैंने माउंट मंगवाया है एक, सामने शायद स्क्रीन पे लगा दूँ मैं, शायद वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह उस पर भी लग जाएगा गोप्रो। आप देख सकते हैं 88 किलोमीटर बता रहा है और 1 घंटे 55 मिनट का रास्ता बता रहा है। स्टार्ट कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं इस सफ़र को, इंशाल्लाह बेहतर गुजरेगा। तो अल्लाह हाफिज़ नहीं, शुरू करते हैं आगे की सीन्स देखिएगा। अभी हमने रुके शॉप से जो है चीज़ें ली हैं कुछ, हमने कहा रास्ते में भूख लग जाती है। और स्पॉन्सर का तो मैसेज बताया नहीं है। दिस ट्रिप स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर प्रॉपर्टी, जाके आप इनको भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ से फिर से। उतरने से रहा, हेलमेट उतारने से रहा, क्योंकि सेट हुए हुए हैं। और अभी हमने जो है मोटरवे जो एंटर कर दिए, ये टूल प्लाजा इस्लामाबाद टू मरी का। और सामने आप देख सकते हैं पैगाम दिया हुआ है कि एक्सप्रेसवे को साफ रखें। तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये पैगाम दिया, तो आप इस पैगाम कीजिएगा, पैरवी कीजिएगा। तो इससे आगे का रास्ता हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जो है अब लगेंगे 1 घंटे 12 मिनट। हम इंशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है। और अगेन से हम थैंक यू कहेंगे अपने स्पॉन्सर्ड को और अपने वाली साहब को, जिन्होंने हमने ये बाइक प्रोवाइड की। और अगेन से जिक्र करूं कि ये नया हेलमेट मेरे मामू ने भेजा है, जुबी फोटो अमोनिया ग्रीस, ये उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया। तो चलो अब आगे का सफ़र आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ड्रोन व्यू लूँ, अगर नहीं ले सका तो माजरत, लेकिन कोशिश करूँगा। लेट्स गो। अभी यहाँ पर हमारा पहला स्टॉप हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है। जी छोटू, बहुत अच्छा जा रहा है, बस मुझे सारी चीज़ें पकड़ाई हुई है, मुझे सिर्फ चीज़ें करने के लिए लेके हैं। तो अब हमने डिसाइड किया यहाँ पर एक ज़्यादा ड्रोन शॉट लेते हैं और फिर हम जो आगे की तरफ निकलते हैं। और लेट्स गो फॉर ड्रोन राइड नाउ। ड्रोन की जो है कैलिब्रेशन हो रही है, उतनी देर तक हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह के हम भूखे घूम रहे हैं। कैलिब्रेशन हो रही है, अल्लाह करे हो रही हो, क्योंकि मोबाइल पे होती है तो मैंने मोबाइल पे कैमरा स्विच किया। तो इंशाल्लाह अब हम खाते हैं क्या क्या भाई, हमारे पास जूस है, जूस पियेंगे और कुछ केक रस है और बिस्किट है। तो स्टार्ट करते हैं कप केक, तो स्टार्ट करते हैं खाते हैं क्योंकि भूख लगी है थोड़ी बहुत। शॉट ले लिया और फर्स्ट टाइम मैं बाइक में आया हूँ मरी, और फर्स्ट टाइम ही बाइक पे मैं ड्रोन यूज कर रहा हूँ माशाल्लाह। ड्रोन वैसे आज गिरा है मेरा और वो जहाँ से पहले क्रैक हुआ था वो थोड़ा सा और क्रैक हो गया। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, अब इंशाल्लाह मेरा कुछ स्टॉप नहीं होगा रास्ते में क्योंकि हमने पहुँचना है जल्दी। तो बस अब हम शूट निकल रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो।
हमें एक आस तो मिली है कि बर्फ़ है, लेकिन ये नहीं पता कि बर्फ़ मरी में पड़ी है या कश्मीर के पहाड़ है, लेकिन है बहुत दूर, लेकिन बहुत ही मज़ा करा रहे हैं। लुक एट दिस, ओह माय गॉड। तो बस हमें अब 33 मिनट्स रह गए हैं, टाइम जो बताया था वो ज़्यादा हो गया, लेकिन बस 33 मिनट्स रह गए, फिर बकाया बातें वहाँ पर पहुँच के होती हैं। GoPro भी लगा हुआ है, वो भी रिकॉर्ड कर रहा है, और कुछ ड्रोन शॉट भी लिए हैं और लेंगे, तो व्लॉग इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग बिल्कुल पक्का। मरी में इंटर हो चुके हैं, आगे हमें जो रास्ता मिला ना, इंटर हो चुके हैं, इंटर आगे हम जो रास्ता मिला ना, हमने एक घर में जाना है और वो रास्ता हमें मिला ये, तो रास्ता इंजॉय करें। अब थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए। देखो एक कज़न ने मुझे कल रात को लोकेशन भेजी, अभी हम यहाँ पहुँचे और हमें जो है ना एक कज़न ने दोबारा लोकेशन भेज दी, कहता यहाँ पर आओ, डेढ़ घंटे का सफ़र और है। यार हद होती है, वहाँ से मैं यहाँ 2 घंटे में आया, अब 1.5 घंटे में वहाँ जाऊँगा, यार हद होती है। वहाँ भी यार तुझे अल्लाह पूछेगा। चलो अब अगले का सफ़र आगाज़ करते हैं, चेक करते हैं अगला सफ़र हमारा 1.5 घंटे का कितनी देर में हमें पूरा करना है, नॉन स्टॉप जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ख्वारी होती है अगर आपने किसी के पास जाना हो, एक बंदा कोई और लोकेशन भेज रहा है, एक बंदा कोई और भेज रहा है, एक बंदा कोई और भेज रहा है, और ये पहाड़ी इलाके अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाना तो रूट घुमा देता है। अभी इस वक्त हम PC बुरबंद के बिल्कुल सामने खड़े, यानी कि PC बुरबंद से 0.8 किलोमीटर कोहाला मुजफ़राबाद, हम मुजफ़राबाद की तरफ निकल गए थे, कज़न ने वो लोकेशन भेज दी। अभी ख्वारी हो रही है सच में बताऊँ तो, अभी डिसाइड हुआ है कि यार नाश्ता कर ही लिया जाए, क्योंकि हमें कज़न तो नहीं मिल रहे। अब चेक करते हैं नाश्ता कराया, ऑर्डर दिया, 1-2 पराठे, 2 ऑमलेट और 2 चाय। इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, है तो वैसे वीराना ही यहाँ पर, लेकिन यह कि नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं मरी के लिए, क्योंकि वो तो मिल नहीं रहे, तो हम डायरेक्ट मरी पहुँचते हैं, वहाँ पर शायद मुलाकात हो जाए उनसे। जी हाँ, नाश्ता आ चुका है, अब हम नाश्ता करेंगे और हम जो है फिर निकलेंगे कश्मीर पॉइंट के लिए। नाश्ता हो गया, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और कश्मीर पॉइंट के लिए। के साथ हम पहुंच गए हैं, बाइक हमने यहाँ पर लगाई है, लेकिन हमने बकायदा पार्किंग में लगानी, क्योंकि कुछ स्क्रैच ना लग जाए इसको। GPO कश्मीर पॉइंट, इसको मैं GPO कहूँगा, कश्मीर पॉइंट कहूँगा। हाँ जी बकर, पहुंच गए हो, बालों का पटाखा बजा हुआ है, आते उधर हुए, आते उधर हुए, तो बस अब इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा यार मैं डायरेक्ट इधर पहुँच रहा हूँ, आप भी इधर आ जाओ, यहाँ से फिर शायद यहाँ पर स्टे करूँ रात को, शायद शायद, तो देखते हैं आगे किस चीज़ के हैं। आखिरकार हमें हमारी फैमिली, तो मतलब कि बर्फ़ कम होती जा रही है, यूपिया की तरफ जा रहे हैं, नथिया गली।
आप ऑक्सीजन चेक करो, जैसा लगता है अभी ग्लेशियर में मौजूद हूँ और मेरे हाथ ठंडे हो गए, बस फ्रॉस्ट बाइट ना पड़ जाए मुझे, बस हल्ला ना करें। हम इस वक्त नथिया गली पहुंच चुके हैं। अब मैंने बाइक लगा दी थी वहां पर गीजिंगा गली में, और हम फिर नथिया गली अपनी फोर्ड पे आए हैं। फोर्ड पे आए, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, मुझे नहीं पता। तो मैं फुल तैयारी के साथ आया हूँ, मेरे शूज नीचे स्पाइक्स लगे हुए, और इधर भी मेरे शूज और नीचे स्पाइक्स लगे हुए। रिकमेंडेड 50-50 हैं, क्योंकि ये रबड़ के हैं तो ये चिपक रहे हैं और उतर जाते हैं कभी कभी। तो अब हम स्पेशल, मैं लग ये चीज़ें पहन के मैं ही आ सकता था यहाँ पर, इस जगह पे देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये मैंने अक्सर वीडियोस में देखा, अब मैं खुद गिर के देख रहा हूँ, मुझे बस लगे ना वटा ना हो पीछे। स्टार्ट करूँ कर मुझे डाल, चलो यार अल्लाह हायर करे। स्टार्ट, 3-2-1 गो। ड्रोन उड़ाने लगे हैं, चेक करते हैं सीन्स वगैरह, आपको चेक कराते हैं ड्रोन। Thank you.